तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यार हम बनाने वाले हैं सोलर आयरन। दोस्तों सोलर आयरन बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में ये सोलर आयरन कितने का आता है। तो दोस्तों जो 25 वाट का सोलर आयरन है ये आप मार्केट में लेकर आओगे अपने लोकल मार्केट से तो आपको ये 90 से 100 रुपए के अंदर मिल जाता है आसानी से। लेकिन अगर इसे ऑनलाइन होगा गाइस तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। मैं थोड़ा इतने बताता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 100 रुपए से गाइस स्टार्ट होता है और 150 रुपए, 200 रुपए और कहीं कहीं गाइस 300 रुपए का मिलता है। जिस वेबसाइट पे अलग अलग दाम पे ये आपको मिलता है, तो उसी चीज़ को गाइस ये जो 25 वाट का सोलर आयरन यहाँ पर आप देख रहे हो 100-150 रुपए का, उसी चीज़ को आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 20 रुपए पे अपने घर पर ही बनाकर दिखाने वाला हूँ आपको। तो आप लोग इस वीडियो को लाजमी पूरा देखना ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखा सकूँ कि आप लोगों को किस तरह से बनाना है इसको सिर्फ 20 रुपए के अंदर मार्केट जैसा सोलर आयरन। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार आप लोग नए हो तो आरसी हिंदी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह के हम नए वीडियो बनाएं तो आप तक इसको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए सोलर बीस्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों सोलर आयरन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉपर वायर लेना है। तो ये एक मीटर कॉपर वायर है, काफी पुराना है, मेरे घर में था। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी लोगों के पास इतना बड़ा वायर तो होगा किसी के पास भी, और ये प्लग तो हो सकता है, नहीं है तो आप 5 रुपये का ले सकते हो, 5 रुपये का वायर हो सकता है, बस 10 रुपये का इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए तो इसको लेना है सिंपली। और उसके बायद दोस्तों यहाँ पर एक सोलर आयरन 25 वाट का ये कोईल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 25 वाट का है, तो इसको आपको लेना है, ये आपको 20 रुपये का इजीली मिल जाएगा, सिर्फ इतना ही आपको लेना है। उसके बाद तो आप लोग बना सकते हो इसको अपने घर पर ही, कुछ इस तरह से आपको ले लेना है। तो यहाँ पर आपको इसका कनेक्शन करना काफ़ी इजी, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस तरह के एक बांस का पाइप लेना है कि चोंगी है ये, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप लोग पीवीसी पाइप का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी मोटा वाला जो आता है। तो मैं इसको बना लिया हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कुछ इस तरह से, ताकि बाहर से मैं कुछ नहीं लेना, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हमें सिंपली लेना है और कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देना है इसको। उसके बाद एक हमें गांठ लगा लेना है इसमें ताकि हमारा वायर ढीला होने के बाद बाहर ना निकले इस तरह से। अब इसको यहाँ पर खींचने के बाद अंदर कर लेना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसको थोड़ा हमें छीलना होगा, तो छील लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों के पास ये वाला कॉपर वायर तो होगा, क्योंकि सभी के घर में गाइस नॉर्मल तो इतना वायर होता ही है और एक परत तो होता है फालतू, वरना नहीं है तो 5 रुपये का ले सकते हो, कोई बहुत महंगी वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए तो इसीलिए बता रहा हूँ। अब इसको भी पेस्टिंग करना है दूसरे सोल्डर आयरन से। अब पेस्टिंग करने का फायदा यह है दोस्तों कि इस पे सोल्डर काफी अच्छे तरीके से हो जाता है, जो इसके अंदर ऑक्साइड का लेयर होता है, काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर पिघल जाता है और आसानी से ये चिपकने लगता है, यानी कि सोल्डर हो जाता है। तो ये करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वायर हमें यहाँ पर सोल्डर कर देना है, या तो हम इसको निकाल सकते हैं या फिर ना निकालें तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है IN007 डायोड, बस इतना ही करना है इसके अंदर, बाकी ये 20 रुपये का पूरा मिलता है, आप कुछ भी नहीं करना। एक वायर यहाँ पर सोल्डर कर देना है और एक वायर यहाँ पर सोल्डर कर देना, बस इतना ही करना है। तो इसको कर लेते हैं फटाफट से, ये जो सेफ्टी के लिए लगा हुआ था इसको हम अंदर डाल देते हैं, इसके सेफ्टी पर्पज के लिए, सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता है इसको बेसिकली। तो अब हमें इस पर सोल्डर कर लेना है, तो किसी भी वायर को किसी में भी हमें जोड़ लेना है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं ध्यान देने की जरूरत है। कुछ इस तरह से इस पर मैंने सोल्डर कर दिया है और इतना ही काम था इसके अंदर करना, बस और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। इसको मैं यहाँ पर साइड में रखता हूँ कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने इस पर सोल्डर कर दिया है दोनों वायर को आपस में कुछ इस तरह से, इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसको अब हमें सिंपली पैक कर देना है, यानी कि इसके अंदर डाल देना है। मैंने सारी चीज़ें कही, इससे मैंने काफ़ी पहले एक सोल्डर आयरन बनाया था,
जो कि गाइस 1-1.5 साल पहले, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ कर लिया फिर से बनाने के लिए, वरना मैं पाइप भी यूज़ कर सकता था पीवीसी पाइप को। कुछ इस तरह से यहाँ पर अब हमें इस पर स्क्रू लगा देना है ताकि हमारा ये बाहर ना निकले बार बार। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने इसको बना लिया है। ये बिल्कुल लकड़ी का है तो इसका शो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब इसका जो है फाइनल 1 बिट होता है, तो गाइस आप किसी भी पुराने सोलर आयरन से इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हो इस तरह से। इसको सिंपल इसके अंदर लगा देना है इसमें, और एक वायर लेकर अच्छे तरीके से इसको बांध देना ताकि ये ढील ना रहे, वरना ढीला रहेगा गाइस तो छोड़ देगा बार बार में। इसके मिलने के बाद काफी अच्छे तरीके से वायर को अटैच कर देना, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फाइनल 20 रुपए के अंदर सोलर आयरन बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसका टेस्ट रेट दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस सोलर आयरन को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये गर्म होता है या फिर नहीं। तो सिंपल इसको हमने यहाँ पर रख दिया है कुछ इस तरह से। अब इसको हम सिंपली बोर्ड में लगा देते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से लगा दिया है। अब इसके बटन को चालू कर देते हैं, कुछ इस तरह से चालू कर दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको सोलर करके आपको किसी चीज़ पे। तो दोस्तों अब हमारा सोलर आयरन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है काफ़ी देर रखने के बाद, लगाने के बाद। तो अब मैं आपको इसको कुछ सोलर करके दिखाता हूँ कोई चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे पास ये है, पहले इसको हम मोल्डिंग करते हैं, ये दिखाते हैं फिलहाल। तो काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों ये पिघल रहा है वायर को, और अब मैं आपको इसको सोल्डर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है डीसी मोटर, इस पर सोल्डर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम कितना आसानी से इस पर सोल्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम किसी भी चीज़ पर बड़े ही आसानी से सोल्डर कर सकते हैं दोस्तों, इसी पर नहीं हम किसी भी चीज़ पर सोल्डर कर सकते हैं। चाहे यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, मैं इस पर भी सोल्डर करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो वायर है इस पर हम आसानी से सोल्डर कर सकते हैं किसी पॉइंट पर, ट्रांजिस्टर पर हो या सोल्डर हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट है, काफ़ी गर्म है, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। सिर्फ 20 रुपये के अंदर हमारा बना हुआ है सोलर आयरन। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। और ये गाइस सिर्फ 20 रुपये के अंदर बनकर तैयार हो गया इस तरह से 25 वाट का सोलर आयरन, जो कि गाइस 100 से 150 रुपये का आपको मार्केट में मिलता है ऑनलाइन। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होगी गाइस, आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, नए तक के लिए जय जय भारत।